कानपुर हिंसा के दौरान 3 जून को बच्चों ने भी जमकर पथराव की थी। सीसीटीवी फुटेज और वीडियो की जांच से इस बात की पुष्टि हुई है। तो वहीं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के आदेश पर पुलिस ने जांच शुरू की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि बच्चों को पैसे देकर नई सड़क पर हिंसा कराई गई थी। हिंसा से पहले कई बार बिरयानी बांटकर बच्चों को खिलाया गया, साथ ही बच्चों को मजहबी कट्टरता का भी पाठ पढ़ाया गया था। कश्मीर में पत्थरबाजी करने के लिए आतंकी ऐसा करते हैं। इलाके में मदरसे में पढ़ने वाले छात्र भी पुलिस की रेडार पर हैं। इसके अलावा एक बार फिर से हिंसा के आरोपियों को 5 दिन की रिमांड लेने के लिए कोर्ट को अर्जी दे दी गई है। JCP आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि बच्चों का हिंसा में शामिल होना एक गंभीर बात है। तो वहीं NCPCR ने इसको संज्ञान में लेते हुए कानपुर पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा को जाँच के आदेश दिए थे। पुलिस की जाँच में सामने आया कि नाबालिग बच्चों को रुपए बांटकर हिंसा के लिए डाइवर्ट किया गया। बच्चे तक सीधा फंड नहीं बल्कि अलग अलग चैनलों से भेजे गए, यानी इलाके के नेताओं और गली मोहल्ले के लोगों से रुपए बांटे गए। तय समय पर सैकड़ों नाबालिग हाथों में पत्थर लेकर सड़क पर उतर आए थे और जमकर पथराव किया था। पुलिस जल्द ही जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट NCPCR को सौंपेगी। आपको बता दें कि पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि बच्चों को इसलिए आगे किया गया कि पुलिस इन पर कड़ी कार्यवाही नहीं कर सकती है। इसके साथ ही हिंसा के लिए इन्हें आसानी से मोटिवेट किया जा सकता है। पुलिस बच्चों से पूछताछ के लिए ज़्यादा सख्ती नहीं कर सकती है। हिंसा के चलते वह सबसे सॉफ्ट टारगेट भी है। इसके चलते बच्चों को हिंसा के लिए फंडिंग करके उकसाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।